हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, एग्जाम हो चुके हैं, कुछ लोगों के दिलों को शांति मिल चुकी है और कुछ लोगों के दिलों में अब आग और ज्यादा भड़क चुकी है। जो लोग एग्जाम क्लियर कर चुके हैं वो शांत हो गए हैं, भाई अपना एग्जाम क्लियर हो गया यार, जस्ट चिल, हैव फन एटसेट्रा। लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ ना, अब उनके दिलों में और आग भड़क चुकी है कि ऐसी की तैसी यार, कोई बात नहीं यार, इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब जो एग्जाम आएगा वो मेरा पक्का क्लियर होगा। और मैं बोलता हूँ भाई, ऐसी आग भड़कनी भी चाहिए और इसी एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। यार क्या हो गया यार, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो किस बात का रोना धोना यार, क्या हो गया, मार्क्स कम आए हैं। कभी कभी तो सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अगला मैच नहीं खेलता, अगले मैच में जाके 100 मारता सीधा। भाई सचिन तेंदुलकर जीरो पे आउट हो सकता है, कभी कभी हमारा भी एग्जाम खराब हो सकता है, सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, लक खराब हो सकती है, लक ने साथ नहीं दिया, एग्जाम कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ और फैक्टर्स हो गए, 36 तरह के फैक्टर एग्जाम बंदे को इफेक्ट करते हैं डेली बेसिस पर। क्या हो गया यार, अगर क्लियर नहीं हुआ तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट यार, बी रेडी फॉर द, भूल जाओ जो हो गया। अबे ये रोना धोना छोड़ो, अब आ जाओ मैदान के अंदर और आने वाले एग्जाम को पार करने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइज, मैं आपके लिए ले आया हूं एक बिग अनाउंसमेंट। लेकिन उस बिग अनाउंसमेंट को बताने से पहले ना, मैं आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। गाइस, इस बार का रिजल्ट देखा आपने, 6%। मतलब आपको अब एग्जाम क्लियर करने के लिए उस 6% के अंदर आना है। और मेरे भाई ये मत सोच लेना कि ये 6% आया तो क्या हुआ सर, अगली बार 20 आ जाएगा। अब ये इससे कम ही आने वाला है, ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि कोरोना से पहले एग्जाम्स के रिजल्ट ऐसे ही आया करते थे और प्रोफेशनल एग्जाम के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। अपना लेवल बढ़ाओ यार, अपना मतलब स्टडी का क्वालिटी बढ़ाओ। ऊपर ऊपर से पढ़ने की जगह ना डीप एनालिसिस करना सीखो यार, इन डेप्थ में पढ़ना सीखो। और मैं ये मानता हूं कि एग्जाम अगर 10 दिसंबर को भी हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होंगे, लेकिन चलो एक दफा मान भी लेते हैं कि एग्जाम अगर 10 दिसंबर को भी हो जाए, तो भी आज के दिन देखू ना तो 2 महीने और 9 दिन से तो ज्यादा ही टाइम है। और ये एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है रेगुलर बैचेस को कवर करने का, डीप एनालिसिस को कवर करने का, पूरी तरह से कंसेप्ट को थोरोली कवर करने का। एंड यस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप प्लीज जो रट्टाफिकेशन ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे उसका साथ छोड़ दो। और मैं बोलूंगा गो फॉर द डीप एनालिसिस, गो फॉर द रेगुलर बैचेस। एंड यस गाइज, आप डेफिनेटली एग्जाम अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अभी भी कवरअप कर सकते हैं एज पर रेगुलर क्लासेस। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, सर एग्जाम 10 दिसंबर को है, टाइम थोड़ा कम है। पहली बात तो टाइम कम नहीं है, और दूसरी बात किसने बोला एग्जाम 10 दिसंबर को है? सर डेट शीट आ चुकी है, मुझे भी मालूम है डेट शीट आ चुकी है, लेकिन लेकिन सर अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं करूंगा लेट द इंस्टीट्यूट डिसाइड एग्जाम 10 दिसंबर को होता है या एग्जाम 27 दिसंबर को होता है या 5 जनवरी को होता है, वो इंस्टीट्यूट को ही डिसाइड करने दो कि रिजल्ट आने के बाद वो आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, वो कितने टाइम का होता है, उसके बाद कितने टाइम में एग्जाम होता है। ये सब बातें ना ही करें तो अच्छा है, बट आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम मतलब 10 दिसंबर को बोल दिया तो होंगे होंगे, कई बार ऐसा हुआ है। और ये जो 5 जनवरी 27 दिसंबर जैसी डेट्स मैंने बोले ना, ये वो डेट है जिन पर लास्ट टाइम में एग्जाम हुए हैं, जब एग्जाम हुए हैं। 10 दिसंबर को एग्जाम लेना था ना, तो फिर रिजल्ट भी आपको 21 अगस्त को निकालना चाहिए था, जो जेन्युइनली आया करता था। 21 अगस्त को रिजल्ट आया करता था और तब जाकर 10 दिसंबर को एग्जाम हुआ करता था। मेरे भाई 26 सितंबर को रिजल्ट निकाल रहे हो, बनता तो नहीं है 10 दिसंबर को लेना, बट बाकी इंस्टीट्यूट को डिसाइड करने दो, हम तो हर चीज में उनके साथ हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर 10 दिसंबर को भी हो तो भी मतलब बेहतरीन टाइम बचा हुआ कवर करने के लिए, सर अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं सही कह रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम को प्रोफेशनल एग्जाम की तरह ही पढ़ो, तभी जाकर आपका एग्जाम क्लियर होगा सर। तो यस गाइज, मेरी तरफ से बिग अनाउंसमेंट है, और मैं बताऊं आप लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर ना मैं आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, बट ओनली फॉर द दिसंबर एग्जाम, ओनली फॉर दिसंबर एग्जाम। मतलब ये लगा लो कि जिस क्लास का प्राइस 7000 है ना, उसको मैं आपको ओनली मात्र दिखा दूं, आपको थोड़ा सा प्राइसेस दिखा देता हूं आपको। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एनी सिंगल सब्जेक्ट आप ले लो 2999 का, अब भाई इससे सस्ता नहीं मिल पाएगा, ट्रस्ट मी। और मैं बोल रहा हूं एग्जाम 10 दिसंबर को, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। 10, 2, 2999 एनी सिंगल सब्जेक्ट, पूरा ग्रुप लेते हो सिंगल ग्रुप मतलब डबल लाइन, एंड अगर बोथ ग्रुप लेते हो तो 19999। एंड यस, देयर इज अ रेलेवेंट टाइम टू क्लियर द एग्जाम टू कवर अप द रेगुलर स्टडी। समझाना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहूंगा। इस प्राइसेस में अगर किसी जेनुअन स्टूडेंट को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली अकोमोडेट करेंगे, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है डेफिनेटली अकोमोडेट होगा। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर, मैं तो बोलूंगा आप कॉन्टेक्ट करिए, आप कॉन्टेक्ट करिए एट 9818406929 पर। मैं बोलता हूं बहुत ही रीजनेबल प्राइस है सर, मतलब बेस्ट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मतलब इस क्वालिटी पर ना ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला, प्राइस तो इससे भी कम मिल जाएंगे, शायद कोई 500 में भी दे दे,
तो फिर क्वालिटी भी आपको पता है कैसी मिलने वाली है, लेकिन इस क्वालिटी पर ये प्राइस नहीं मिलने वाला। गाइज मैं कहूंगा गो फॉर द क्लास और उसको कवर अप करो, साथ में रिवीजन करो और सब मिक्स करके करो, सो दैट आपका एग्जाम पहले ही बार में क्लियर हो जाए और जिनका नहीं हुआ उनका इस बार क्लियर हो जाए। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय गाइज।